जी का शायद कहाँ कहाँ से ही मुझे थोड़ा मालूम नहीं, फिर भी लगभग इंडिया का बहुत सारे एरिया से एक दो बंदे जो जो लीडर्स लोग हैं अभी, तो इनको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी सर देखिए, ये कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि शुरुआत लेवल पे अगर आप एंट्री हो जाते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर हो जाता है। अगर 1 मिनट, हाँ जी जी आइए आप, है ना? ओके सर, ओके। तो अभी सर कोलकाता से सर फोन किए थे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शुरुआत के लेवल पे जो मजा है, और जो देखिए हम यहाँ पर पैसिव इनकम के लिए आए हैं। कुछ दिन तक हम काम करेंगे दौड़ धूप करके, 2 4 साल अच्छी तरह से काम करेंगे, और जब थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाए तो कम से कम घर बैठ के कुछ कुछ आपको मॉनिटर करके आपको बहुत सारा पैसा आए। तो ये चीज केवल ही केवल संभव हो सकता है इसी कंपनी में, जो कि आप फाउंडर मेंबर के तौर पे यहाँ पर आप रहेंगे इनिशियल स्टेज पे। कोई दूसरी कंपनी में आप जाते हैं तो 10 साल 15 साल या 5 साल के बाद जाते हैं, वहां पर क्या होता है, आपको किट बेचते 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 आपका घर का काम खाली करना पड़ेगा, हैंड टू माउथ नहीं होता है। जो जो आपका ड्रीम्स है, एक्चुअली सब बड़े से बड़े लीडर इससे पहले हमको बोले थे ड्रीम्स ये है वो है सब होए, लेकिन कोई भी ड्रीम किसी का आज तक फुलफिल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्यों हुआ नहीं? इसलिए हुआ नहीं, आप लोग गलत टाइम पे, हर एक कंपनी में गलत टाइम में आप एंट्री किए, या तो 4 साल या तो 10 साल या तो 5 साल, कोई भी। तो ये हमारे लिए अभी ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। मैं इतना खुशकिस्मत वाला हूं कि मैं 22 23 साल से इसी इंडस्ट्री में हूं, इसी इंडस्ट्री को कभी छोड़ के मैं गया नहीं, भाग के कभी गया नहीं डर के मारे। मुझे ये उम्मीद था, 98 से मैं काम कर रहा हूं, मुझे वो उस दिन से उम्मीद था कि आज नहीं तो कल अच्छा कंपनी आएगा। उस चक्कर में 2 3 कंपनी भी मैंने ऑलरेडी चेंज भी कर चुके हैं, लेकिन फाइनली मैं अपना जो मंजिल है वो पा लिया। तो मेरे दोस्तों, जो भी है मेरे अभी पैनल में, जो भी है मेरे दोस्त लोग, जितना भी है मेरे कोई बुजुर्ग लोग हैं, तो इनको मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, अभी सही टाइम है, अभी सही टाइम है, अभी इसमें प्लीज आप यहाँ पर जुड़ जाइए। और ये जो 2 3 महीने के बाद जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा आप देखेंगे, अभी से बोलना भी बहुत माने ठीक नहीं होगा अभी बोलने, तो 2 3 महीने के बाद ये वन साइडेड होने जा रहा है, बहुत सारा सर चेंज हमारे लाने बीच में आ चुके हैं, तो मैं सर सर को वो इनवाइट करना सर चाहूंगा फिर से। एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ आज सुबह से ही नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को? जी, सर 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 एकदम एकदम क्लियर है सर। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि एक तो फील्ड के अंदर जो अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा एफिशिएंट। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा बीच में। मैं फर्स्ट का सेशन जो है फेसबुक पे लाइव जा रहा है, तो छोटा सा मैसेज चाहिए, और आपके मैसेज के बाद में लाइव को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर हम कंटिन्यू पर्सनल मीटिंग में बात करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को, और आज बड़ा स्पेशल दिन है, अक्षय तृतीया भी है आज, और आज परशुराम जयंती भी है। तो अक्षय तृतीया जनरली वैसाख के तीसरे दिन आती है, तीज को होती है, और ईद जो है वो चांद के महीने के हिसाब से होती है। तो बहुत लकी डे है कि आज ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है, और कोविड का माहौल है तो सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। और बहुत बड़ा चैलेंज है आज इंडस्ट्री के लिए भी कि हम लोग फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को यूज करके हम लोग काफी हद तक गैप को कवर कर लेंगे। और सभी सुनने वाले के लिए फिर से एक बार ईद की मुबारकबाद। जहां तक मैं फाइटोटॉमी की बात कर रहा था आप लोगों से, और ये कह रहा था कि फील्ड में कुछ मैसेजेस स्ट्रॉन्गली जाने चाहिए। देखिए, प्लान सभी कंपनियों का होता है और सभी कंपनियों का अच्छा ही होता है, प्रोडक्ट भी सभी कंपनियों के होते हैं और सभी के अच्छे ही होते हैं। तो फाइटो ऑटोमी में ऐसा क्या डिफरेंट है, इसको आप लोगों को टेक्निकली प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को समझाना होगा। जो मेजर चीज है वो है हमारा ऑनेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप हमारी बिजनेस वॉल्यूम देखते हैं और उसको प्लान के साथ जोड़ के देखते हैं, तो आप पाएंगे कि
फाइटो एटॉमिक का एब्सोल्यूट इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट से 20-22% ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि प्लान और अच्छा बनाया जा सकता है, परंतु बिजनेस वॉल्यूम को कम कर दीजिए, प्लान अच्छा चल जाएगा, और 2-3% डाल दीजिए, 10% डाल दीजिए, 200% का प्लान बना लीजिए बिजनेस वॉल्यूम को कम करके। सो एब्सोल्यूट टर्म में कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ये आपको फील्ड में बताना चाहिए। और जब आप देखते हैं कि हम 20-22% इंसेंटिव ज्यादा दे रहे हैं तो लोगों के मन में भय भी आएगा, ये कब तक देंगे, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हाफ तो नहीं जाएंगे, थक तो नहीं जाएंगे, प्लान तो नहीं बदल देंगे, प्राइस तो नहीं बढ़ा देंगे। तो यहां पर आपको 3 पॉइंट्स अपनी फील्ड को बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाने पड़ेंगे। और वो 3 पॉइंट ये है कि पहली बात, हमारी जो भी नेटवर्किंग कंपनी रहती है, फाइटो एटॉमी हो या भूतकाल की दूसरी कंपनी रही हो, यहां पर हम लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, पूरी कोशिश रहती है। यहां पर आप सिर्फ 3 चीजें पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का इंसेंटिव, वेंडर्स की पेमेंट और टैक्सेस की पेमेंट। इन 3 चीज के सिवा आप कुछ भी नहीं पाएंगे। यहां तक कि जो ऑफिस इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रोप्राइटरी होता है, जो चाय कॉफी भी पीते हैं वो भी हम अपने पैसे से पीते हैं, और वही आप यदि आते हैं तो आपको भी अपने पैसे से ही चाय कॉफी पिलाते हैं। तो कोई भी खर्च अनावश्यक हम लोग कंपनी पे नहीं डालते जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पाती। दूसरी चीज, जितने भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो अमूमन हमारी स्वयं की फैक्ट्रियों पे, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन है वो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्जिन के साथ जुड़ जाती है, तो वहां पे हमें 4-5% का फायदा होता है। तीसरा, हम लोग भी पैसा कमाने बैठे, हम लोग भी सीरियसली अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और करना चाहिए भी। यदि कोई स्वयं की वेल्थ नहीं क्रिएट करना चाहे तो वो फिर बिजनेस के लिए सीरियस भी नहीं होगा, परंतु हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे ब्रांड बड़े बने, अगले 7-8 साल में इतने बड़े बन जाए कि उनकी बड़ी वैल्यूएशन बने, और ब्रांड्स की वैल्यूएशन जब कंपनी की वैल्यूएशन के साथ जुड़ती है तब हमारी शेयर्स की कीमत बढ़ती है, तब हमारी मार्केट कैप बढ़ती है और हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब नहीं करते, जहां तक लास्ट ऑप्शन नहीं हो वहां तक प्राइस नहीं बढ़ाते, क्योंकि प्राइस बढ़ाएं या क्वालिटी खराब करेंगे तो ब्रांड गिरेगा, उसकी सेल कम होगी। तो इसलिए हम लोग ब्रांड्स पे काम करते हैं, और वो एक अच्छी खबर है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कि ये कंपनी ब्रांड के लिए सेंसिटिव है। ये तीनों मिला के तकरीबन हम 20-22% अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और इसी वजह से हम बड़ी इनकम देते हैं। और यही कारण रहा है कि हमें ज्यादा लोग जुड़ते हैं। अब हम 15,000 प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, बेवकूफी लगती है, बहुत लोग हंसते भी हैं, और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि क्या जरूरत है, 100 प्रोडक्ट दीजिए ना, उसमें ही काम कर लेंगे। परंतु ये पुरानी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी टीमें हैं और हर टीम में अलग अलग टाइप के लोग हैं। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला है तो वो अब स्टेमसेल तो नहीं बेच पाएगी, शायद एनर्जी कैंगन वाटर भी नहीं बेच पाए, और शायद डीएनए भी नहीं बेच पाए। परंतु यदि उसे सिंदूर दे दिया जाए, उसे हाथ की चूड़ी दे दी जाए, पूजा की सामग्री दे दी जाए तो बेच लेगी। वैसे कोई एमआर है, उसे फार्मा के प्रोडक्ट्स बेचने में आसानी होगी। कोई किसान है, उसे एग्रो के प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी। कोई कारपेंटर है, उसे कारपेंटरी के प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी। हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है, अपना एक सर्कल होता है, और उस सर्कल के हिसाब से यदि हर व्यक्ति 20-25 प्रोडक्ट हमारे 15,000 प्रोडक्ट में से ढूंढ लेता है तो पूरी टीम एक साथ ग्रो करती है। और यही कारण है कि हम 15,000 प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे ही ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अब जो होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और आज जो आप लोगों को बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया और आप लोग आए, और बहुत ही कम समय में 1-2 घंटे की नोटिस पे आप लोगों ने एक बहुत अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली, और प्रशांत उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बहुत फास्ट अपनी टीम को मोबिलाइज कर लिया और फटाफट आप मीटिंग में आ गए। इसका एक कारण है, एनर्जी कैंगन वाटर हमारे लिए एक बहुत प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट रहा है। पिछले 1-1.5 महीने में हमने कई मशीनें बनाई, काफी बनाई, परंतु उस टाइम पर हमारी असेंबली लाइन जो थी वो छोटी थी, मैकेनिकल थी। पिछले सैटरडे को हमने 2 और असेंबली लाइन लगाई है, और अब हमारी कैपेसिटी जो है 270 मशीन प्रतिदिन की हो गई है।
आप लोगों ने देखा होगा कि 2 महीने पहले तक सरकार गला फाड़ फाड़ के वैक्सीन की प्रमोशन कर रही थी। आप कॉलर ट्यून लगाएं तो वहां पे वैक्सीन की प्रमोशन हो रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स टेलीविजन सब पे वैक्सीन की प्रमोशन हो रही थी, परंतु जैसे ही डिमांड आई वो वैक्सीन ही नहीं दे पाए। तो हम नहीं चाहते कि एनर्जी कैंगन वाटर के लिए ऐसा हो कि हम डिमांड खड़ी कर दे और फिर से प्रॉब्लम आए। तो हमें अगले 4 महीने की पूरी प्लानिंग लेनी थी और आपसे बिना पूछे हमने बहुत बड़ी प्लानिंग ली है और इसी कॉन्फिडेंस पे ली है कि कोई भी प्लानिंग यदि कंपनी लेती है तो आप हमारे भाइयों की तरह हैं और आप उस प्लानिंग को जरूर पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने तकरीबन 52 करोड़ रुपए का 52 करोड़ रुपए के रॉ मटेरियल गुड्स वगैरह का ऑर्डर किया है जो अगले 4 महीने में हमें शेड्यूल के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। 50-52 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो बहुत बड़ा है, परंतु फिर भी एक सीरियस पैसा है। आपने कल ई बाइक्स के भी फोटोग्राफ देखे होंगे, बहुत जल्दी ई बाइक्स भी आनी है, वो भी एक सीरियस प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो ये जो मशीनें हैं इसके ऊपर आज हम सभी को टारगेट्स लेने हैं। टारगेट लेने का मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई मास्टर हूं और आप 8वीं के बच्चे हैं और हमने खड़ा कर करके आपसे कोई टारगेट ले लिया। टारगेट इम्पॉर्टेंट है सीरियस काम करने के लिए। और देखिए, दूसरी कंपनियों में आपकी सफलता आपका स्वयं का चॉइस होता था, फाइटो एटोमी में ये नहीं है, आपकी सफलता अनिवार्य है। यदि आप सफल नहीं होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी असफलता है। तो एक टारगेटेड वे में हम लोग काम करें और टारगेट के साथ आगे बढ़े, इसी मैसेज को देने के लिए आज ये मीटिंग थी। परंतु फिर भी और बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहे। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट से 20-22% हाई है, ये लिमिट है, इसके ऊपर नहीं दे सकते, नहीं तो आपको प्राइसेस इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि फिर आप आउट प्राइस हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो आपकी सेल कम हो जाएगी। इसके आगे का क्या स्टेप है, इसके आगे का स्टेप यदि आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमने 1,00,000 करोड़ रुपए सालाना व्यापार की बात करी है हम तकरीबन उसके आसपास कैसे पहुंचने वाले। अभी तक मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप चार्ली ब्रावो या अल्फा आईडी से जब जुड़ते हैं तब आपको एक इंसेंटिव मिलता है, आप जब जोड़ते हैं तभी भी आपको इंसेंटिव मिलता है, अल्फा को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, और आपको एक फाइटोमी डिस्काउंट कैश दिया जा रहा है हर महीने जिससे आप सस्ती परचेज कर रहे हैं, जिससे आपकी परचेजिंग सस्ती हो गई। परंतु अभी तक ये आपके कंजम्पशन से रिलेटेड थी, अब हम ये फाइटोमी डिस्काउंट कैश को यदि पैसों में बदल के आपको दे दे तो कैसा रहेगा, ये आप खाली जस्ट इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। तो किस प्रकार होगा जस्ट इमेजिन करिएगा और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा क्योंकि अगले 45 से 60 दिन के अंदर ये होने जा रहा है। हर चार्ली ब्रावो और अल्फा को बिना डोमेन नेम लिए, बिना होस्टिंग चार्ज दिए, बिना सर्वर चार्ज दिए एक पेज बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। ये पेज बहुत डायनेमिक होगा, खुला हुआ होगा, जिसपे आप अपने स्वयं के फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, आपको किसी के विचार पसंद है वो विचार डाल सकते हैं, खुद के मोटिवेशनल वीडियोस डाल सकते हैं, अपने पर्सनल वीडियोस शेयर कर सकते हैं, और फाइटो एटोमी की जो मेन साइट है उस पर सिर्फ प्रोडक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को उठा के सिर्फ अपने पेज पे डाल रहे हैं। चार्ली को 25 प्रोडक्ट रखने का अधिकार होगा, ब्रावो को 50 प्रोडक्ट रखने का अधिकार होगा और अल्फा को अनलिमिटेड प्रोडक्ट रखने का अधिकार होगा। इस पेज पर आप लोग रेफरल लिंक्स क्रिएट करेंगे और ये रेफरल लिंक्स को आप मार्केट करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति रेफरल लिंक के माध्यम से आपके पेज पर आता है और परचेज करता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर माल दिया जाएगा। इस पेज पर आपका फाइटोमी का वॉलेट भी शिफ्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, यदि 120 रुपए की एमआरपी का प्रोडक्ट था, हमने 100 रुपया डीपी रखा हुआ था और आपके साथ हमने प्रॉमिस की थी कि हम आपको उसे 30 रुपए में देंगे, आपके 70 फाइटोमी ले लेंगे और 30 रुपए का भुगतान करिए, ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर उसे 100 रुपए पर ले रहा है, आपका फाइटोमी वॉलेट जो है वो 70 से माइनस हो रहा है और आपके और हमारे बीच में एक डील हुई थी, एक करार हुआ था कि हम आपको फाइटोमी का डिस्काउंटेड प्राइस देंगे,
तो ये जो बचा हुआ पैसा है पाइटोमी डिस्काउंट कैश, ये आपको दे दिया जाएगा। यानी कि जब डिस्ट्रीब्यूटर डीपी प्राइस पे खरीद रहा है, आपका फाइटोमी डेबिट हुआ, और ये जो बचा हुआ जो फाइटोमी का पैसा है जो हमें नए डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है, वो सीधा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और इसके अंदर से जीएसटी का कॉम्पोनेंट काटा जाएगा, क्योंकि पहले हमें 30 रुपए पे जीएसटी भरनी पड़ती थी, अब हमें 100 पे जीएसटी भरनी पड़ेगी। तो जीएसटी का कॉम्पोनेंट काट कर फाइटोमी का जो एनकैशमेंट हुआ है वो आपके पास पहुंच जाएगा, वो भी आपको एक महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, आपको हर वीक पहुंचेगा। यानी फास्ट इनकम, तेज इनकम और फाइटोमी का एनकैशमेंट। अब सोचिए ये प्लान कितना बड़ा हो गया, पहले ही हम 22% ऊपर थे मार्केट से, और यदि अब हरा अल्फा को 50,000 फाइटोमी जो दिया गया है उसमें से जीएसटी काट कूट के यदि 40,000 रुपए भी बनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, और उस वक्त आप देखेंगे कि 15,000 प्रोडक्ट बहुत हैंडी होंगे। किसी को अत्तर पसंद आए तो उसने 3-4 अत्तर डाल दिए, किसी को साबुन पसंद आए, किसी को फेस वॉश पसंद आया, वो अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स, किसी को एग्रो के प्रोडक्ट पसंद आए, और उसको कुरियर करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो आपकी नियर बाय दुकान कर रही होगी, या डेपो कर रहा होगा, या वेयरहाउस कर रहा होगा, या कंपनी कर रही होगी। यानी आपको सिर्फ ऑर्डर बुक करना है, कुरियर हम करेंगे, और आपका फाइटोमी डिस्काउंट वॉलेट एनकैश होके आपके घर में एक हफ्ते के अंदर पैसा आएगा। ये जैसे ही हम कर देते, तब आप सोचने की कोशिश करिएगा कि क्या इस इंडस्ट्री में कोई दूसरी कंपनी बचेगी। और उसी के साथ साथ में लार्ज टिकट प्रोजेक्ट्स, एल्कलाइन कैंगन वाटर, एनर्जिक का, ई बाइक्स, खाली बाइक ही नहीं, इसमें और व्हीकल्स आ रहे हैं, रिक्शे आ रहे हैं, ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, और 2 साल में आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। आपके हर शहर में हम लोग पिनकोड वाइज अपने डिस्ट्रीब्यूटर की डेंसिटी देख रहे हैं, जैसे ही डेंसिटी एक लेवल पर पहुंच जाती है, हम वहां पर आपके कैफे खोलेंगे। अब सोचिए कि आप यदि क्लोजिंग करने जाते हैं और खुद के कैफे में किसी को बुलाकर आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्या ब्रांड बनेगा। सो ये तीनों चीजें प्लस सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट करने पर फाइटोमी का एनकैशमेंट, प्लस ऑलरेडी 20-22% बढ़ा हुआ कॉम्पनसेशन प्लान, और 15,000 प्रोडक्ट, इंडस्ट्री वन साइडेड हो जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू थिंग्स, लार्जर थिंग्स, बिगर थिंग्स, और उसके लिए हम सबको मिलकर बहुत बड़ी मेहनत के साथ में, बहुत बड़ी कमिटमेंट के साथ में काम करना पड़ेगा। अब 270 मशीन यदि हम बना रहे हैं प्रतिदिन, तो हम सबको मिलकर ठेका ले लेना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन वाले जो है फिर से प्रेशर में आ जाए। 270 मशीन यदि हम बना सकते हैं प्रतिदिन, तो हम 500 मशीन प्रतिदिन बेच पाए, इतनी बड़ी मार्केटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, आसान नहीं है, आप लोगों से प्रोजेक्शन लेने के पीछे एक ही कारण है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में हमारी मशीनें बिकने वाली है, क्या उस डेपो पर मशीनें हैं, क्या उस दुकानों पर मशीन है, क्या वहां हमने किसी आरओ वाले से टाइप किया है कि वो फिटिंग कर दे, क्या हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट दे पाएंगे। तो आप लोगों की प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाए आपके टारगेट्स के साथ में। एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है गोल्ड रिंग वाला, वो श्योर गिफ्ट है, मतलब 75,000 बिजनेस वॉल्यूम आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको श्योरली एक गोल्ड रिंग जिसमें 1 कैरेट का डायमंड लगा हुआ है वो मिलती है, और मल्टीपल में कर सकते हैं आप 1.5 लाख करते तो 2 अंगूठी मिलती है, आप 2.25 लाख करते तो 3 मिलती है, इस प्रकार से वो मल्टीपल है। यानी लीडर्स बहुत अच्छा टारगेट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले दिन बेवकूफी लगती है, लोग हंसते भी है, उन्हें मजाक उड़ाने में मजा आता है, परंतु हर वो बात जो हमने कही है आपको वो कंप्लीट होने जा रही है, और उसको पूरा करने के लिए सभी भाइयों से बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग टारगेटेड काम करें, बड़े टारगेट्स उठाएं और हमें बताएं कि आपको कहां कोऑपरेशन करना है। राइट सचिन,
क्या टारगेट्स ले पाएंगे मशीन के, और कोई टॉपिक है तो बताओ। इनके मशीन के 100 के टारगेट अपन ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम है इनकी, और पवन जी खुद ऑनलाइन से 100 का टारगेट नहीं दे सकते भाई, इसको 200 का टारगेट मिनिमम देना पड़ेगा। तो 60 को अपन पर डिस्ट्रीब्यूटर को 5 का टारगेट दे सकते हैं, 300 दे सकते हैं सर। 4 या 6 का दो ना, तो अंगूठी 3 मिल जाएगी। 4 का दे सकते हैं, 4 का दे सकते हैं। 4 का दे सकते हैं। प्रशांत क्या ख्याल है आपका, आप बताएं। जी सर, सर जो हम तो 100% से ऊपर भी कोशिश तो करेंगे, लेकिन उड़ीसा सर जो है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, आप तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन उड़ीसा में सर थोड़ा लेट होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा। यूपी और एमपी उसी साइड में, ये कोलकाता साइड में भी चलेगा, लेकिन उड़ीसा में सर थोड़ा स्लो होगा। फिर भी हम 4 के लिए हम कोशिश तो करेंगे, तो मेरी तरफ से सर 4 के लिए मैं 100% से ऊपर भी कोशिश करूंगा। सभी लीडर्स 4-4 ले लेंगे, आपकी टीम बहुत बड़ी साइज है। जी सर, तो तकरीबन 200 मशीन आपके ट्रैक में टारगेट ले सकते हैं। जी सर, बाकी सर यूपी में तो काफी बात किया है मैंने सर। ओके, यूपी में बात किया, और अभी रिसेंटली बिफोर 2 months हमारे पास में एक किसी ने वो जो महंगा वाला कैंगन वाटर मशीन के जो है 280 रुपीज के अप्रोक्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया, तो अभी हमारे लिए तो अच्छा ही है और प्राइस भी अवेयर करेंगे मार्केट में। जी, अवेयरनेस वो क्रिएट करेंगे, सेल हम उठाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और बाकी हमारे पास जो काफी बड़ी क्लाइंटेज है, क्लब के हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें भी काफी मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। एक नया खुद का मशीन लगाऊंगा पहले। जी सर, रस्तोगी जी, एक नया सेगमेंट जो हमारे लिए बिल्कुल नया था, सरप्राइजिंग सेगमेंट था, वो थे पॉलिटिशियंस। जी, कभी भी पॉलिटिशियंस को हमने वैसे टारगेट नहीं किया, हमने डॉक्टर्स को, मेडिकल को, हेल्थ क्लब को उस तरीके से टारगेट किया, ब्यूटी पार्लर को टारगेट किया, पॉलिटिशियंस को टारगेट नहीं किया। जी सर, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स ने बल्क ऑर्डर बुक किया उनकी पूरी टीम के लिए, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप मशीन लगाइए और अल्कलाइन पानी फ्री बांटिए। okay. तो इस अपॉर्चुनिटी को भी आप लोग थोड़ा देखिएगा, क्योंकि हमारे लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी थी। पिछले मैंने इस तरीके की 2-3 डिले हुई और हम लोग भी सरप्राइज थे कि ये इस तरीके की डील्स हो रही है। हमने बिल्डरों से भी बहुत बात करी, तो बहुत सारे बिल्डर्स है जिनका जिनका माल बिक नहीं रहा, स्लो मूविंग है, तो ये फ्लैट के साथ में कंबाइन करके भी मशीनें दे रहे हैं। यहाँ बॉम्बे में हीरा नंदानी ने किया। okay. हीरा नंदानी की डील बेसिकली एनर्जी हांगकांग वाले ने करी थी और उनसे काफी मशीनें उन्होंने पहले भी ली थी, फिर हमें ये डील मिली और हमने भी काफी मशीनें अभी प्लानिंग में है देंगे उनको। तो बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस, ये भी नए टारगेट सेगमेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत अच्छे क्लिक करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है सर, इससे काफी अच्छा स्कोप निकलेगा और क्लाइंटेज भी हमारी बढ़ेगी, और इनके अप्रोच बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी होते हैं, मीडियम में भी होते हैं, हर सेगमेंट में रहते हैं। नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से लगवा रहे हैं कि अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्री अल्कलाइन पानी बांटे। जी जी, इससे उनका अच्छा रहेगा, प्रमोशन भी हो जाएगा। और मेन चीज सर, एक बात कुछ पूछना था मुझे आपसे,